लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। दरअसल इसराइल ने रात के अंधेरे में जब गाजा पट्टी पर हमला किया तो उसमें भी इसराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ गया, क्योंकि गाजा पट्टी पर हमला उन्होंने रात के अंधेरे में ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए किया, जिसमें हमास के लड़ाकों ने उनके 300 सैनिकों को तो ढेर ही कर दिया, 250 से अधिक इजरायली सैनिकों को बंधक भी बनाया। लेकिन इस बीच जो तबाही का मंजर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसराइल में दिख रहा है। आप भी अपने स्क्रीन पर यह विजुअल्स देखिए, इसमें जो धुएं के गुबार देख रहे हैं या आग की लपटें उठते देख रहे हैं, और यह सब कुछ जो दृश्य है वो इसराइल के शहरों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमला हुआ है वो हमास की तरफ से किए गए। हमास ने जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि यह आशंका जताई जा रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग दुनिया के बड़े युद्ध की वजह बनती जा रही है। और यहीं पर जो खबरें सामने आ रही हैं, जो विजुअल आप देख रहे हैं, गाड़ियों में आग लगी पड़ी है, ये सब ताबड़तोड़ मिसाइल जो फिलिस्तीन की तरफ से हमास ने दागे हैं इजराइल पर, उसका ही असर है। इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद इसका जब मैंने ट्रांसलेट किया क्या मैसेज दिया जा रहा है, तो तुर्की उर्दू नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा भी है, अलकसाम मिसाइल अटैक्स सक्सेसफुल, इजराइल्स आयरन डोम फेल्ड, अलकसाम मिसाइल हिट्स तेल अवीव इन रिस्पॉन्स टू जिनोसाइड इन गाजा। हमने आपको कहा कि गाजा में जिस तरीके से लोगों के मारने का सिलसिला चल पड़ा है इजराइल के द्वारा, एक रात में 756 हमास के नाम पर गाजा के लोगों को मारा गया वो इजराइल के द्वारा, और अब जो खबर आई है कि हमास ने जवाबी कार्रवाई की, गाजा के बेकसूर लोगों को मारने की जो इन लोगों ने क्रूरता दिखाई है, जो हैवानियत दिखाई है, उसी के रिस्पॉन्स में अब हमास से जोरदार पलटवार हुआ है, और इस पलटवार के लिए इजराइल कभी तैयार भी नहीं होता, इतने भारी तबाही वहां मच रही है। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं वो दृश्य बयां कर रहा है कि कितना खौफनाक मंजर इस वक्त इसराइल में हो गया होगा। अगर इसराइल फिलिस्तीन की बात मान लेता है, या फिर अगर इसराइल अपने दोस्त अमेरिका की ही बात मान लेता है जो ग्राउंड ऑपरेशन करने की जिद पर आ रहा है, या फिर गाजा को तबाह करने की जिद पर आ रहा है, जबकि दुनिया के कई देश अब इस वक्त गाजा में मानवीय राहत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसराइल को चैन नहीं है। हमास के नाम पर गाजा के मासूमों को मारता है, महिलाओं को मारता है, बुजुर्गों को मारता है, इसी को लेकर इतना गुस्सा है कि इजराइल पर भी जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। और ये जो वीडियो फुटेज आपने देखे हैं ये सब हमास के अलकसाम ब्रिगेड द्वारा हमले के बाद का मंजर है। यह दृश्य बता रहा है कि कितने भयंकर तबाही इजराइल में भी मच गई है। कुछ फुटेज और हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे मिसाइल ऐसे रॉकेट गिरे हैं कि इजराइल के होश उड़े हुए हैं। एक स्प्रिंटर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने भी शेयर किया है, देखिए क्या आग की लपटें उठ रही हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, हर कोई अब धीरे धीरे सड़कों पर निकल आया है कि किसको कितना नुकसान हुआ है। और इस विजुअल्स को शेयर किया है, फुटेज ऑफ रॉकेट्स हिटिंग किरियत ओनो इन तेल अवीव, स्प्रिंटर ने शेयर करते हुए लिखा है कि ये जो रॉकेट्स हिट किया है ना तेल अवीव के किरियत ओनो में, वहां का यह दृश्य है। इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि कितने अफरा तफरी का माहौल है, आग लगी पड़ी है, गाड़ियों का काफिला आपको दिखाई पड़ेगा, ये सब जो सबके अपने अपने गाड़ी हैं, लोग डरे सहमे सड़कों पर निकले हैं, और उस दृश्य को कोई मोबाइल में कैद करना चाहता है तो कुछ। ये दृश्य बता रहा है कि इजराइल जितने तबाही मचाने की कोशिश करेगा उसके भी हाल उतने ही खराब हो जाएंगे। कहने को इजराइल दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सेज में से एक है, लेकिन सच्चाई यही है कि इजराइल की सेना ट्रेंड नहीं होती। अगर ट्रेंड होती तो फिर हमास के लड़ाकों से वो निपट गई होती। यहाँ पर स्थिति यह है कि दो दो साल में इजरायली सैनिक बदल जाते हैं, दो साल की सर्विस मात्र करते हैं, तो वो कितने ट्रेंड हो पाएंगे। जैसे भारत में अग्निवीर की स्थिति हो सकती है, ठीक वैसे ही अभी जो सिचुएशन है वो इसराइल में इजरायली सैनिकों की है। जोश में बहुत हैं, उम्र कम होती है, जोश अधिक होता है,
लेकिन जब ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उनके कमांडर उन्हें धकेल देते हैं तो हमास के लड़ाके घात लगाए बैठे होते हैं और पलक झपकते ही इन सब को ढेर कर देते हैं। पहले से ही आशंका जताई गई थी कि गाजा पट्टी में अगर हमले किए गए तो उसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये नहीं माना इजराइल, अमेरिका ने समझाया। तो अब देखिए फिलिस्तीन के साथ तो कई ऐसे देश ऑलरेडी खड़े हैं। अब अमेरिका की सहानुभूति है, भले ही हथियार देने के नाम पर या फिर किसी और मुद्दे पर हमास के साथ तो अमेरिका खड़ा नहीं होता है, लेकिन अमेरिका ने यह जरूर कहा कि हम हमास के साथ नहीं तो हम फिलिस्तीन के साथ तो खड़े हैं। हमास मतलब पूरा फिलिस्तीन नहीं हो सकता, उनका मानना है, लेकिन किसी न किसी रूप में इसराइल को रोकने की कोशिश अब शुरू हुई है। लेकिन इसराइल की आदत है, बातें सुनता नहीं है, और देखिए बदले में से तबाही के मंजर को वो खुद झेल रहा है लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। अब हम आपको 3-4 फुटेज एक साथ दिखाते हैं। ये सारे फुटेज सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर बयां कर रहे हैं। ये सब कुछ घटा है इसराइल के होलोन और किरियत में, वहां पर आग की लपटें उठते देखेंगे। ये तमाम फुटेज इकट्ठे किए गए हैं, बता रहे हैं कि हमले के बाद का दृश्य है। आप इन चारों फुटेज को देखिए, आप चाहे तो इसे आसानी से समझ सकते हैं कि जो दृश्य है कमोबेश यह बता रहा है कि आग जो लगी है कोई लगाई नहीं गई है, बल्कि हमले के बाद इसराइल में तबाही मची है। फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने इन सारे फुटेज को शेयर करते हुए लिखा भी है, ब्रेकिंग एज द रॉकेट्स ऑफ द रेसिस्टेंस रेन डाउन ऑन सेटलमेंट्स अक्रॉस द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज होलोन एंड किरियत ओनो रेस्पेक्टिवली साउथ एंड ईस्ट ऑफ तेल अवीव बर्न्स एज दे आर स्ट्रक बाय द डिल्यूग। यहाँ कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ी खबर है कि जैसे जैसे रॉकेट जो हैं हमास के लड़ाकों के वो इसराइल के क्षेत्र में जाकर गिरे, खास करके होलोन और किरियत ओनो में जाकर गिरे जो कि तेल अबीब का इलाका है, साउथ और ईस्ट का इलाका है, उन क्षेत्रों में तबाही के मंजर लिख दिए गए। ये खौफनाक स्थिति देखने को मिल रही है। इसका मतलब साफ है कि यह जंग काफी बड़ी होती जा रही है और इस जंग से निपटना आसान भी नहीं होगा। बताया जाता है कि इसराइल पर अभी भी हमले और बमबारी नहीं थमेंगे। इसराइल अगर एक मोर्चा पर सिर्फ गाजा से लड़ता है तो दूसरे मोर्चे पर उसे लड़ना पड़ रहा है लेबनान के हिजबुल्लाह से, सीरिया से और इन सबसे आगे ईरान से। वहीं अगर रूस की बात करें और चीन की बात करें, ये हमेशा खड़ा है। अगर अमेरिका सामने से हमला शुरू कर देगा तो रूस और चीन भी इसराइल को तबाह कर देंगे, यह तो तय माना जा रहा है। नेतन्याहू को इस बात की अच्छे से समझ है कि वो भले ही दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में एक में खुद को खड़े करने की कोशिश करें, लेकिन बिना अमेरिका की मदद के वो नील बटा सन्नाटा है। चाहे फिर हथियार की बात हो या फिर किसी भी मोर्चे पर, सैनिक के मोर्चे पर हो, युद्धपोत के मोर्चे पर हो, वो इसराइल पर डिपेंडेंट है। अब पैसे देकर हथियार खरीदें या फिर मदद मांग लें, लेकिन यह सत्य है कि 80% से अधिक हथियारों की डिपेंडेंसी जो इसराइल की है वो अमेरिका पर है। ऐसे में अमेरिका की बात नहीं मानकर इसराइल खुद अपने लिए कब्र खोद रहा है, और ग्राउंड ऑपरेशन करने का जो फैसला इसराइल का था वो बहुत ही महंगा पड़ गया। इसराइल के 300 से अधिक सैनिक वहीं ढेर हो गए गाजा पट्टी में। हमास के लड़ाकों ने जो कमाल किया है, जो जंग छेड़ी है, उसमें वो भी इसराइल को पानी पिलाते नजर आ रहे हैं। वहीं इसराइल के कई सैनिकों को बंधक बनाकर भी इन लोगों ने बाद में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तबाही का मंजर लिख दिया गया, जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।